ഹോ ആവാജ ആവാജല്ലയാരണു മന്ന गा के दिखाओ कैसे आवाज आवा रोटी खाओगे खाना है खाना है दादी जी नमस्ते बड़े पापा बड़ो बड़ो बोलो बड़े सुनो मेरी बात बोलो बाबा जी दादा जी सुनिए तो मेरी बात कृष्णा कृष्णा लिसन टू मी बेटा दादाजी दादाजी उधर नहीं जाना गिर जाओगे जीने पे नहीं जाओ छोड़ दो देखो हाँ चीटा चीटा हाँ चीटो तुम बाय कर दो भगा दो उसको बाय करके भगा दो ऐसी पकड़ लेते ये पकड़ लेता है कृष्णा बोल दो दादाजी दादा जी नमस्ते हाँ यहाँ बैठ के कृष्णा यहाँ पे बैठ के और बोल दो अब बोल दो दादाजी दादाजी नमस्ते जय माता की जय माता की बड़ी मम्मी बड़ी मम्मी मम्मी किसको मम्मी किसको कहोगे नहीं बड़ी मम्मी बड़ी मम्मी नमस्ते बुआ फूफा नानी नानी आ जाओ डैडू डैडू गए डैडा गए डैडा कहाँ गए किधर गए के तो डैडा गए डैडा गए के तो दादी दादी डैडा गए डैडा दादी नहीं के तो दादी डैडा गए जी डैडा गए डैडा गए डैडा गए मामा जी मम्मी जी ए फॉर एप्पल मम्मी एप्पल मम्मी एप्पल मम्मी एप्पल मम्मी एप्पल बी फॉर बॉल नहीं बॉल बी फॉर बॉल होता है हाँ बॉल सी फॉर अरे वाह डी फॉर डॉगी डी फॉर ई फॉर एलिफेंट एलिफेंट बस हो गया डरता इतना है बस इधर जा रहा है आए थे कूड़ा फेंकने के लिए चलो उधर हैंकी कहाँ बेटा इसकी नोजी साफ करो चलो आंटी को बाय कर दो अरे मम्मी किधर डैडा जाते ना इधर ओए गाइस ओए सुना आपने हाय गाइस बोल के दिखाओ हाय गाइस कैसे हो आप सब व्हाट्सअप और डेंगू गाइज हम लोग जा रहे थे थोड़ा सा कृष्णा के लिए विंटर के कपड़े वगैरह लाने के लिए तो इसी वजह से मैंने कहा चलो शूट कर लेते थोड़ी सी वीडियो और कृष्णा ने फर्स्ट टाइम ऐसे बोलना स्टार्ट किया है कैमरे पे देखा वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल कैसे हो आप सब हम लोग घूमू जा रहे हैं दशहरे की जलेबी खाने जलेबी मम्मी नहीं मारो नहीं यहाँ पर बैठ गए गाड़ी चला रहे हैं जलेबी खाओगे आप जलेबी खाओगे क्या
खिलाओगे जलेबी? बनाऊंगी नहीं यार, थक जाते हैं हम काम कर करके। मेंबर्स की सेवा कर करके थक जाते हैं और अपने सब्सक्राइबर की सेवा कर करके, इसलिए ना जलेबी बनाएंगे नहीं, खा लेंगे जलेबी खरीद के। है पहले मिल तो जाए आज। मिल जाएगी। सो गाइस चलिए हम लोग चल रहे हैं बाहर और आप लोग को दिखाते हैं रास्ता कि हम लोग किस रास्ते से जा रहे हैं। अगर आप लोग हम लोग के साथ चलने के लिए रेडी हो रेडी तो चलो गो। तो आ जाओ रेडी हो जाओ। हाय गाइस मैं यहाँ पर पैक लगा रही थी और कृष्णा भी उड़ गया था साथ में ही। जब मैं उठूंगी तो ये भी उड़ जाएंगे, जो मैं करूँगी वो भी यही करेंगे। मैं इनसे बोल रही थी कि चलो मैं पैक लगा लूँ बेटा, तुम डैडा के पास चले जाओ, डैडा को उठा दो। नहीं, डैडा के पास नहीं जाना है, ना तो डैडा को उठाना है, कुछ नहीं करना है। और ये आप लोग आज वीडियो जो देखोगे ब्लॉग वाली, ये आज की ही वीडियो है। और आज मैंने संडे है, संडे में मैंने पैक लगाया था, पता नहीं आप लोग ये वीडियो कब देखोगे। और बहुत सारा आज काम हो गया था, कॉटन वगैरह धोने थे, वीडियोस वगैरह बनानी थी, तो मतलब बहुत सारा काम हो गया था आज। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ मैं एक ब्लॉग शेयर कर देती हूँ अच्छा सा। तो मैंने कहा चलो पैक वगैरह लगा लेती हूँ, उसके बाद से आगे का काम दिखाऊंगी। तो आप लोग बस देखिए, मैं यहाँ पर पैक लगा रही थी, उसके बाद हम बनाएंगे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह, और उसके बाद से कॉटन वगैरह सारा धोया। दिवाली, और हम लोग को दिवाली पर निकलना भी है, तो इस वजह से हमने कहा चलो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। और अभी नेक्स्ट ब्लॉग आएगा मेरा करवा चौथ की, जो भी चीज़ें मैंने शॉपिंग करी हैं, जो भी चीज़ें मैंने ली हैं, वो वाला ब्लॉग आएगा नेक्स्ट ब्लॉग। तो आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर वॉच कीजिएगा। कृष्णा हेलो बोलोगे? हेलो व्हाट्सएप व्हाट्सएप हेलो बोलो, बाय बाय। तो बस यहाँ पर मैं पैक लगा रही थी ऑयल किए हुए बालों में ही, जो कल ऑयल गया है ना आप लोग के साथ में, मैंने जो अभी रात में शूट किया था उसको, रात में 3:30-4 बज गए थे मुझे वीडियो शूट करते करते। उसके बाद से एडिटिंग वगैरह हुई, उसके बाद से वीडियो गई है, तो आप लोगों ने देखा है। आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए उसको, बहुत मेहनत लगती है छोटे बच्चे के साथ में। और फिर यहाँ पर विंटर भी स्टार्ट हो चुका है, फिर मैंने वही ऑयल लगाया था, टोनर लगाया था। और मैं यहाँ पर इस टाइम में जो टोनर यूज़ कर रही हूँ, सैनिमम का टोनर यूज़ कर रही हूँ। सैनिमम का नया टोनर मैंने बनाया हुआ है, वो शेयर करूँगी जल्दी ही आप लोग के साथ में, क्योंकि जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ उसको शेयर करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि एट ए टाइम तो देखो वीडियो में नहीं बना सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो में एट ए टाइम वीडियो शूट करनी होती है, बनानी होती है, एडिट करनी होती है, देन अपलोड करनी होती है। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है कि हाँ मैंने बनाया और तुरंत डाल दें। तो वीडियो में बहुत सारे काम होते हैं जो कि एट ए टाइम पॉसिबल है ही नहीं, तो बस इसलिए मैं आप लोग सामने जल्दी ही शेयर करने की कोशिश करूंगी। सैनिमम का जो टोनर है वो काफ़ी अच्छा है इची स्कैल्प के लिए और ऑयली स्कैल्प के लिए, डैंड्रफ के लिए, तो बहुत जल्दी आएगा। हेयर लेंथ उससे इंक्रीज होती है, बहुत अच्छा होता है सैनिमम। जो दालचीनी होती है इसकी गुडनेस अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप लोग रोज़ एक दिन में कम से कम सैनिमम पाउडर जो होता है उसको आप घर पे बनाकर या मार्केट से लाकर एक चम्मच ज़रूर से ज़रूर लिया कीजिए, उसको खाया कीजिए एक, मतलब पूरे दिन में। मॉर्निंग में अगर आप 6 बजे उठ जाते हो तो 6 बजे से लेकर के रात के 8, 10, 11, 12 बजे तक आप कम से कम एक चम्मच सैनिमम पाउडर लेना स्टार्ट कीजिए। आपके फेस पे ब्लैमिशेस की प्रॉब्लम है, झाइयों की प्रॉब्लम है, रिंकल्स की प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सैनिमम एक ऐसा इन्ग्रीडियंट है, एक ऐसा आपका स्पाइस है और आपका एक ऐसी मेडिसिन है, मतलब उसको हम ऑल ओवर चीज़ नाम दे सकते हैं। आप उसको मेडिसिन बोल सकते हो, आप उसको एक हर्ब बोल सकते हो, अगर उसका हम पेड़ वगैरह लगाते हैं, ट्री लगाते हैं। दूसरी चीज आप उसको स्पाइस बोलते हो, ठीक है। वो मसाले का भी काम करता है, औषधि का भी काम करता है, मतलब हर तरीके से सारे तरीका का वो काम करता है, ठीक है।
तो अगर आप उसको यूज़ करते हो ना तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं उसके, क्योंकि वो है ही इतना अच्छा। उससे आपके बॉडी के अंदर जो चीज़ें टॉक्सिन्स वाली चीज़ें हैं वो निकल जाती हैं, आपके फेस पे कोई प्रॉब्लम हो रही है वो सही होती है, आपका जो ब्लड होता है नए सेल्स बनते हैं। आप सोच सकते हो कि अगर आपके बॉडी के अंदर जो खून है जो ब्लड है वो अगर बिल्कुल प्योरीफाई रहेगा, बिल्कुल क्लीन रहेगा, बिल्कुल साफ रहेगा, तो आपके बालों में वाइट हेयर की समस्या है वो भी नहीं होगी। आपके बॉडी में अगर आपके ब्लड की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है ना, वाइट हेयर की समस्या हो जाती है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, तो इन सारी चीज़ों को वो ठीक करता है। दूसरी चीज़ मैं आप लोग के साथ में नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी कि आप लोग अपनी डाइट में ऐसी क्या चीज़ ऐड करो जिससे आपके हेयर बहुत अच्छे और बहुत लंबे हों, लॉन्ग टाइम तक हों। आप लोग किसी से भी पूछोगे, किसी से भी कहोगे ना कि मतलब ये बंदी है, जैसे मैं कहीं जाती हूँ मॉल वगैरह में या कहीं भी जाऊँ, मुझे कोई देखकर यही नहीं कहता कि मेरा कोई बेबी भी है, छोटा बच्चा है, क्योंकि अपनी बॉडी को आप इस तरीके से फुर्ती वाला रखो कि आप भाग भाग करके काम करो और आपकी बॉडी इस तरीके से रहे, अपना डाइट इस तरीके से लो कि आपके फेस पे कभी कोई चीज़ लगे ही ना कि आपने कुछ ऐसा किया है या आपकी बॉडी ख़राब हो चुकी है या फिर एजड हो गया हो। अगर आप डाइट लेते हो ना अच्छी, पहले के टाइम में जो लोग थे ना 100-100 साल जी लेते थे। एक मेरा फ्रेंड है, मतलब मेरे भाई का फ्रेंड है ना, तो उसकी जो दादी हैं उनकी मम्मी अभी तक जिंदा हैं, सोचो। तो अभी ये चीज़ें होती हैं, उनकी जो एज है 105 ईयर्स की हो गई है और अभी तक वो जिंदा है। अब नहीं बता सकती मैं, मेरी शादी के टाइम पे वो जिंदा थी। तो ये सारी चीज़ें होती है, पहले के टाइम में जो चीज़ें मिलती थी प्योर मिलती थी है ना, नेचुरल चीज़ें मिलती थी, मिलावट वाली चीज़ें नहीं मिलती थी। और अब क्या है, नेचुरल चीज़ें नहीं मिलती हैं, मिलावट वाली चीज़ें मिलती हैं, इसलिए हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। तो बूढ़े ना हो इसलिए आप नेचुरल चीज़ें खाओ, स्प्राउट्स खाओ, सैलड खाओ। डाइट जो प्रॉपर शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ में, चार्ट शेयर कर दूंगी जिससे आप लोग है ना 1 से 1.5 महीने में देखना आपके जो रिंकल्स हैं, जो झुर्रियां हैं, जो ब्लेमिशेस हैं, बाल हैं, मतलब बहुत अच्छे हो जाएंगे। बट उसको ऐड करना ज़रूरी है। आप लोग के साथ में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, क्या क्या चीज़ें, कब कब चीज़ें कैसे कैसे लेनी है, ये सारा शेयर करूँगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर्टन वगैरह धोए हुए थे, तो जो कर्टन्स की जो चूड़ियाँ होती हैं, जो बैंगल्स होते हैं कर्टन में हम लगवाते हैं ना, उनको आपको एक रस्सी लेना है, कोई भी रस्सी ले लो। मेरा लैगी था, मेरा लैगी ख़राब हो गया था, तो मैंने उसको कट करके उसकी पतली पतली रस्सी बना दी थी और उसके बाद उसको बांध करके और मैंने इसको मशीन में डालकर वॉश कर लिया। और ये वॉश करने के बाद आपका मशीन भी नहीं ख़राब होता है, आपके पर्दे भी बहुत अच्छे तरीके से धुल जाते हैं, वॉश हो जाते हैं। और आज बहुत सारा काम हो गया था, तो बस आप देख सकते हो मैं भाग भाग करके काम कर रही थी और सारे कर्टन्स वगैरह सुखा रही थी मैं, और सारा ही काम मेरा ख़त्म हो चुका था यहाँ पर। और कृष्णा भी बस मम्मा 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 करता रहता है, तो मैंने कहा चलो आप लोग मेरी ब्लॉग्स को देखते हो, जो लोग हर एक चीज़ को कर रहे हैं, मेरी हर एक रेमेडी को कर रहे हैं, तो इतना तो मैं आप लोग को मेन चैनल पे नहीं समझा सकती हूँ, बट हाँ ब्लॉग चैनल पे मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ, हर एक चीज़ बता सकती हूँ, हर एक चीज़ शेयर कर सकती हूँ आप लोगों के साथ में, जो चीज़ें अच्छी हैं, जो चीज़ें नहीं अच्छी हैं, सारी चीज़ें। क्योंकि जो लोग मेरे ब्लॉग चैनल को वॉच करते हैं वो लोग मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं कि दीदी आप ब्लॉग बड़ा बनाया करो, तो कोशिश करेंगे कि ब्लॉग 15 से 20 मिनट का बने, बट अगर छोटा बनता है फिर भी आप लोग एंजॉय किया कीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग पे आने वाला है करवा चौथ की जो शॉपिंग मैंने की है वो, और उसके बाद से सेकंड पार्ट आएगा सीमा दीदी वाला, है ना, आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा उसको, वॉच कीजिएगा और बहुत सारा भर भर के प्यार दीजिए। तो देख सकते हो अब इतने सारे कपड़े धुल गए हैं, सारा काम खत्म हो गया है, बस अभी हम लोग खाना वाना खाएंगे, खाना वाना खा करके निकलेंगे मार्केट के लिए। और आप लोग इसको देखना और मुझे बताना कैसा लगा मेरा ब्लॉग। अब यहाँ पर मैंने 2 बार में पर्दे धुले थे, क्योंकि पर्दे मेरे बहुत सारे थे, कॉटन बहुत सारे थे, तो इसलिए मैंने 2 बार में उसको वॉश किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फिर से मशीन लगा दिया है, एक बार मैंने कपड़े धोए थे, दूसरी बार मैंने फिर पर्दे धोए थे, फिर मैंने तीसरी बार, ये फिर से मेरा तीसरी बार पर्दा धोने जा रहा है कर्टन सारे। तो यहाँ पर सर्फ में थोड़ा सा ज़्यादा ही डालती हूँ, क्योंकि पर्दे गंदे बहुत हो जाते हैं, फिर वो बड़े बड़े से होते हैं, तो उसमें डस्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से, ठीक है। तो अब यहाँ पर मशीन मैंने ऑन कर दी, थोड़ा सा सर्फ डाल दो आप, पानी डाल दो थोड़ा सा, अगर सर्फ घुल जाता है, मिक्स हो जाता है ना, तो बहुत अच्छे तरीके से वो सर्फ जो होता है आपके कपड़े पर भी नहीं लगता है लिक्विड उसका, और उसके बाद से वो अच्छे से धुल भी जाते हैं, क्लीन भी हो जाते हैं, साफ़ भी हो जाते हैं, और अच्छी तरीके से साफ, मतलब बहुत अच्छी फ्रेगनेंस भी आने लगती है और क्लीन भी हो जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, जितनी भी डस्टिंग होती है सारी रिमूव हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने पर्दे डाल दिए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देखना और बहुत सारा प्यार देना। आज मैंने आप लोगों को बस यही सारी चीज़ें दिखाई हैं, तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग कहते ना दीदी म्यूज़िक मत डाला करो, म्यूज़िक से अच्छी आपकी वॉइस लगती है, इसलिए मैंने बस पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग कर दी है। मेरी हेल्थ ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे बहुत सारे कि थोड़ा सा आपकी हेल्थ ठीक है नहीं है, तो वो जो वीडियो आप लोगों ने देखी है ना हेयर ऑयल वाली, फेनुग्रीक, अनियन सीड और आंवले की, उस वो वीडियो रात में शूट हुई थी ना, इस वजह से मैं थकी हुई थी, और फिर पता ही
आपको बच्चे के साथ में इतना सारा काम होता है ना, तो फिर चीज़ें हो नहीं पाती है, मन भी नहीं होता है, तो बच्चों को भी देखना होता है। कृष्णा सो गया था, उसके बाद हमने वो सारा काम किया था, तो बस टाइम होते होते 3:30 तो हो ही जाता है आराम से। और दूसरी चीज़, प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अगर व्लॉग पसंद आता है तो व्लॉग को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, लव यू।